अबा जी। हाय रोनी, कैसे हैं आप दोनों? हेलो टिंकी, कैसी हैं आप? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप आज यहाँ? इसमें सरप्राइज वाली क्या बात है रिया, तभी आप मुझे देखकर तो इतना खुश नहीं हुए। रिया बाजी, कुछ जल रहा है क्या? रोनी, आप रोज यहाँ पे होते हैं और टिंकी वो कभी कभार आती है। रोनी, वैसे मैंने हाय बोला था और हाल भी पूछा था, जब आप तो दे देते। टिंकी, अगर याद हो तो हम दोनों बहन भाई हैं जो एक ही घर में रहते हैं, कोई सालों बाद तो मिल नहीं रहे हम। ओह हाँ, याद आया, सुबह ही तो मिले थे हम। क्या करूं, मैं भी अपने भाई की तरह बातें भूल जाती हूँ, है ना रिया बाजी? टिंकी, ज्यादा बातें ना करो और जल्दी बताओ क्या काम है। रोनी, कितनी बुरी बात है ना, छोटी बहन है आपकी। इतनी भी छोटी नहीं है, इसके लड़ने से लगता है कि ये छोटी है। वैसे ये भी है। रिया बाजी, ओके सॉरी सॉरी। ओके टिंकी, आप ये तो बताएं कि आप आज बाइबल पोस्ट ऑफिस में आई क्यों हैं? रिया बाजी, मैं आपके लिए कुछ चीजें लाई हूँ, क्योंकि आप इतना काम करती हैं ना। ओह, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच टिंकी। अरे वाह टिंकी, मेरी प्यारी बहन, थैंक यू। वैसे तो रिया बाजी, ये आपके लिए है, लेकिन रिया बाजी, अगर आपका दिल करे तो रोनी को भी कुछ दे दीजिएगा। जी जी टिंकी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम रिया बाजी, मुझे कुछ जानने में आपकी हेल्प चाहिए। टिंकी, बहुत काम है हमारे पास, डिस्टर्ब ना करो हमें। हाँ, जैसे सारा काम मेरा ये बेचारा भाई ही तो करता है। अच्छा अच्छा, बस अब चलें। टिंकी, आप बताएं कि आप क्या जानना चाहती हैं? क्या आप बपतिस्मा के बारे में जानने में मेरी मदद करेंगी प्लीज, कि इसका मतलब क्या है? बपतिस्मा, ये तो मुझे भी नहीं पता। वेरी गुड क्वेश्चन टिंकी, मैं जरूर आपको बताऊंगी। वैसे इतना समझदारी वाला सवाल आया कहाँ से, किसी से चीटिंग की है? एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना, मैं बचपन से ही समझदार हूँ। मैं भी बचपन से आपके साथ हूँ, मुझे क्यों नहीं पता चला कि आप समझदार हैं? वैसे रोनी, मानना पड़ेगा कि टिंकी बिल्कुल आप पे गई है। हाँ हाँ, तभी तो समझदार है। अरे नहीं, वो बिल्कुल आपकी तरह अपनी ही तारीफें करती रहती है। वेरी फनी। टिंकी, मैं आपको ना सिर्फ बपतिस्मा के बारे में बल्कि मैं आपको इशाए रुबाने के बारे में भी बताऊंगी, ओके? वाओ, डबल ट्रीट। तो गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह ने चर्च यानी कलीसिया को जो खास हुक्म दिया उसमें बपतिस्मा और इशाए रुबाने भी शामिल हैं। तो रिया बाजी, क्या दोनों एक ही है? नहीं टिंकी, बपतिस्मा यीशु मसीह की मौत, उसके दफन होने और उसके मुर्दों में से जी उठने को जाहिर करता है। वो कैसे रिया बाजी, मैं कुछ समझी नहीं। इसका जवाब जीनियस रोनी बताएगा। वो ऐसे कि जब कोई बपतिस्मा लेता है तो इस बात का इकरार करता है कि मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई और अब नई जिंदगी शुरू हो गई, जो मसीह की मर्जी के मुताबिक होगी। ठीक कहा ना रिया? एकदम ठीक कहा रोनी, गुड जॉब। क्या बपतिस्मा हमें गुनाहों से पाक करता है? नहीं टिंकी, गुनाहों से पाक सिर्फ यीशु का खून करता है। बपतिस्मा किसी को निजात नहीं दे सकता और ना किसी को बचा सकता है। ओह, अब समझी। लेकिन मेरी प्यारी बहन, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा बोझ ना डालो, मैं इसे और आसान कर देता हूँ। देखो, मैं बपतिस्मा लेकर ये बताना चाहता हूँ, मैं अब मसीह यीशु से ताल्लुक रखता हूँ। मैं मसीह के साथ मर गया, दफन हुआ और नया इंसान बनकर जी उठा, ताकि अब
अपनी जिंदगी मसीह के लिए जीऊं, ना के अपने लिए। अच्छा, तो ये बात है। रॉनी, पहली बार आपने कोई समझदारी की बात बताई है। हाँ, क्योंकि पहली बार आपने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी है। आप दोनों की लड़ाई से ऐसा लग रहा है कि आपको बपतिस्मा के बारे में पता चल गया है। और क्यों ना अब हम इशाए रुबानी के बारे में बात करें। जी जी रिया बाजी, बिल्कुल नेकी और पूछ। तो इशाए रुबानी कलीसिया को दिया गया वो हुक्म है जिससे हम यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करते हैं। जो प्याला हम पीते हैं वो यीशु मसीह के लहू को जाहिर करता है जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, और जो रोटी हम खाते हैं वो यीशु मसीह के बदन की निशानदेही करती है जो हमारे लिए दिया गया है। रॉनी, दिया गया मतलब यीशु को दुख दिया गया, सलीब पर चढ़ाया गया। शाबाश टिंकी, वैसे मुझे तो पता था। मैं ये देखना चाहता था कि आपको पता है कि नहीं। अच्छा रोनी, तो जरा ये बताएं कि यीशु ने और क्या कहा था। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था कि मेरे यादगारी के लिए यही किया करो। शाबाश रोनी। और टिंकी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये कलीसिया को तब तक करना है जब तक यीशु दोबारा आना जाए, क्योंकि पालूस रसूल के पहला खत करंथियों की कलीसिया के नाम उसके 11वें बाब की 26वीं आयत में क्या लिखा है टिंकी। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। आमीन। और जीनियस रोनी, आप दोनों लेडीज और हमारे दोस्तों को बता दे कि इशाए रुबानी को होली कम्युनियन और ईमानदारों की रिफाकत, पाशराकत और पाक इशाए भी कहते हैं। तो रिया, मैं केक खा लूं? नहीं नहीं, ये रिया बाजी के लिए है। रिया, हेलो अमजद भाई, कैसे हैं आप और इसमें क्या है? अरे निम्रा, इतने सारे सवाल एक साथ। ओ सॉरी अमजद भाई, लेकिन इस बैग में क्या है? अरे निम्रा, कुछ नहीं, लेकिन वैसे कुछ है इसमें आपके लिए। अमजद भाई, वैसे भी मुझे थोड़ी भूख लग ही रही थी, लेकिन हमें तो स्टोरी शुरू करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हीरोज ऑफ फेथ। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और बहुत एक्साइटेड भी आज की स्टोरी के लिए। तो अमजद भाई, आज हम किस ईमान के हीरो के बारे में अपने दोस्तों को बताएंगे? वो तो सरप्राइज है, क्या आप गेस कर सकती हैं? जी जरूर। दोस्तों, इसराइल में बहुत सारे बादशाह आए, मगर उनमें से एक बादशाह जिसका नाम अखीब था, वो बहुत बुरा बादशाह था और उसकी हुकूमत में मुल्क के हालात बहुत खराब हुए, क्योंकि उसकी बीवी बुतों की पूजा करती थी। तो क्या वो खुदा से प्यार नहीं करता था? नहीं निम्रा, बल्कि वो बाल देवता की पूजा करते थे और बहुत बुरे काम करते थे। बल्कि उन्होंने तो बनी इसराइल के लोगों को हुक्म दिया कि वो अपने बाप दादा के खुदा को छोड़कर बुतों की पूजा करें। तो अमजद भाई, लोग तो बादशाह की बात मानकर खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे होंगे। जी निम्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक दिन बादशाह जब अपनी शान और शौकत के साथ तख्त पर बैठा हुआ था, तो एक अजनबी शख्स बादशाह के दरबार में दाखिल हुआ और उसने कहा कि मैं खुदा का बंदा हूँ, और उसने बादशाह से कहा कि एक खुदा तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें देगा और तेरे मुल्क में 3 साल तक बारिश नहीं पड़ेगी और ना ही रात को औस पड़ेगी जब तक के मैं ना कहूँ। 3 साल तक बारिश नहीं होगी, ये बात कुछ सुनी सुनी लग रही है। ओ हाँ, याद आया, ये तो एलिया नबी की कहानी है। ठीक कहा ना अमजद भाई? अरे वाह निम्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बताएं फिर आगे क्या हुआ। एलिया ने ये पैगाम खुदा की तरफ से पाया था, लेकिन लोगों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और उस पर हंसना शुरू कर दिया। एलिया के पैगाम के बाद 3 साल तक बारिश ना हुई, फसलें, पौधे और घास सब मुरझा गए और लोगों के पास जो कुछ भी खाने को था वो सब खत्म हो गया था और पूरे मुल्क में कहर पड़ गया था। फिर अखीब बादशाह ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि एलिया को तलाश करो और मेरे पास ले आओ। लेकिन एलिया क्रेत के नाले के पास पहाड़ों में जाकर छुप गया, क्योंकि खुदा ने उसे ये रास्ता दिखाया था। और फ्रेंड्स, आगे जो हुआ वो बहुत अमेजिंग था। खुदा ने कौवों को एलिया के लिए रोटी और गोश्त पहुंचाने का हुक्म दिया, है ना अजीब बात, जबकि इसराइली भूख और प्यास की वजह से बहुत तकलीफ उठाते थे क्योंकि वो लोग खुदा को भूल गए थे।
और एलिया खुदा के साथ वफादार था, इसलिए उसके पास रोटी और पानी बकसरत थी। बिल्कुल सही निम्रा, एलिया एक लंबे अरसे तक गार में छुपा रहा। फिर एलिया को खुदा की तरफ से हुक्म मिला कि वो सारपत को चला जाए और वहाँ उसे एक बेवा मिलेगी जो उसकी मदद करेगी। और जब एलिया वहाँ पहुँचा तो उसे वहाँ एक औरत मिली। एलिया ने उस औरत से पानी मांगा और जब वो जा रही थी तो एलिया ने उससे कहा कि मेरे लिए रोटी भी लेकर आना क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। तो उस औरत ने जवाब में कहा कि मेरे पास रोटी नहीं है बल्कि मटके में सिर्फ एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, ये मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए है, हम खाएंगे और फिर मर जाएंगे। क्योंकि सब जगह काल था लेकिन एलिया ने उससे कहा कि तुम मेरे लिए रोटी लेकर आओ तो तुम्हारे मटके में से ना तो कभी आटा खत्म होगा और ना ही कुप्पी में से तेल। और जानते हैं दोस्तों आगे क्या हुआ? एलिया ने जैसा कहा था वही हुआ और वो औरत बहुत खुश हुई। और निम्रा, कुछ अरसे के बाद उस औरत का बेटा मर गया। ओह सो सैड। सैड तो है निम्रा, लेकिन एलिया ने खुदा से दुआ की और खुदा ने एलिया की दुआ सुनी और लड़के ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया। ओह वाओ, ये तो कमाल हो गया। लेकिन क्या एलिया अखिया बादशाह से मिलने को गया? जी जी निम्रा, एलिया फिर अखिया बादशाह के पास गया और उसने अपने लोगों से कहा कि तुम कब तक अपने ईमान से फिरोगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खुदावंद ही तुम्हारा खुदा है। खुदावंद सब कुछ कर सकता है मगर बाल नहीं कर सकता। एलिया ने कहा कि मैं अकेला खुदा का नबी मगर बाल के 450 पुजारी। इतने सारे पुजारी और एलिया अकेला नबी, ओह माय गॉड। तब एलिया ने कहा एक कुर्बानी बाल के लिए और एक कुर्बानी जिंदा खुदा के लिए तैयार की जाए, लेकिन हम कुर्बानी के नीचे आग नहीं जलाएंगे। पहले बाल के पुजारी अपने देवता से दुआ करेंगे और फिर इसके बाद मैं जिंदा खुदा से दुआ करूंगा और जो आसमान से आग भेजकर कुर्बानी को भस्म करेगा वही खुदा होगा। ओ याद आया अमजद भाई, बाल के सारे पुजारी चीखते रहे और अपने देवताओं से फरियाद करते रहे लेकिन बाल ने उनकी एक ना सुनी और आग नाजिल ना हुई। और फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को जख्मी भी कर लिया लेकिन बाल ने उनकी ना सुनी। सुनता भी कैसे, क्योंकि जिंदा खुदा तो एक ही है जिसकी हम सब इबादत करते हैं। और जब वो सब थक गए और फिर एलिया नबी ने जिंदा खुदा को पुकारा और आसमान से आग नाजिल हुई जो सारी कुर्बानी को खा गई थी, है ना जबरदस्त बात? बेशक, और लोग ये देखकर चिल्ला उठे कि खुदावंद ही खुदा है और बाल कुछ ना कर सका, लेकिन खुदा ने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन अमजद भाई, ये भी तो बताएं कि बारिश हुई या नहीं? बारिश? फिर एलिया ने खुदा से दुआ की और एक छोटा सा बादल उठा और देखते ही देखते बहुत ज्यादा बारिश हुई। यिप्पी, ये हुई ना ईमान में खुदा के हीरो वाली बात। और देखा फ्रेंड्स आपने, एलिया खुदा के साथ वफादार रहा तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और जो कुछ उसने मांगा था खुदा ने उसको दिया। शाबाश निम्रा। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने भी आज की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ईमान के हीरोज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।